ભરૂચના એબીસી સર્કલ પાસે આનંદ રેસ્ટોરન્ટ નજીક કારમાંથી 80,000 રૂપિયાની ચીલ ઝડપના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી પોલીસે દક્ષિણ ભારતની તીચી ગેંગના 3 સાગરીકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભરૂચ જીએનએફસી રોડ પર 3 દિવસ પહેલા એક યુવાન તેની કાર રોડ પર પાર્ક કરીને માવો લેવા ગયો હતો. તે અરસામાં તેમની કારમાંથી કોઈ ગઠિયાએ 80,000 રૂપિયા ભરેલી બેગ ચોરી કરી ગયા હતા. ઘટનામાં ભરૂચ સી ડિવિઝન પોલીસે નેત્રમ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત લગાવાયેલા સીસીટીવીના ફૂટેજના આધારે ગઠિયાઓની વિગતો મેળવવાની કવાયત હાથ ધરી હતી, જેમાં બે બાઇક પર 4 શખ્સોએ આવી કારસાનો અંજામ આપ્યો હોવાનું માલુમ પડ્યું હતું. બાઇકના નંબરના આધારે તપાસ કરતા બાઇકના માલિકે થોડા દિવસ પહેલા જ તામિલનાડુના એક શખ્સને બાઇક વેચી હોવાનું જણાવતા ટીમે તેના સગડ મેળવતા ટોળકીના 3 સાગરીતો સુબ્રમણ્યમ સુગૈયાન, ત્રિપદી નાયડુ, દીપક નાગરાજ રાજ નાયડુ તેમજ રમેશ સુરેશ નાયડુ પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ગયા હતા. તેમની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેઓએ કબૂલાત કરી હતી કે તેમણે ભરૂચમાં 3 અંકલેશ્વરમાં, 2 નવસારીમાં, 1 અને કામરેજમાં ખાતે 1 એમ કુલ 7 જેટલી ચીલ ઝડપની ઘટનાઓને અંજામ આપ્યો હતો. યાકુબ પટેલ, ZSTV, ભરૂચ. પોલીસ મહાનિરીક્ષક વડોદરા રેન્જ શ્રી હરિકૃષ્ણ પટેલ સર એવં ભરૂચ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સર કે માર્ગદર્શનમાં સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન કે ટીમ કો એક ટીચી ગેંગ કા પર્દાફાશ કરને મેં ઓર ઉસકો હિરાસત મેં લેને મેં સફળતા પ્રાપ્ત હુઈ હૈ. ઇસ ગેંગ કી જો અપરાધ કરને કા તરીકા થા મેં ઉસકો પહેલે એક્સપ્લેન કરતા હું આપકો. ये गैंग 4-व्हील गाड़ियों को निशाना बनाती थी. इस गैंग के सदस्य 4 की संख्या में गाड़ियों की रेकी करते हैं और ये नोटिस करते हैं कि पिछली सीट पर कोई पर्स या कोई बैग रखा हुआ है कि नहीं. उसके बाद ये गाड़ी के रुकने का इंतज़ार करते हैं. जिस स्थान पे गाड़ी पार्क होती है उस स्थान पे ये लोग रुकते हैं, उस गाड़ी के चारों ओर रेकी करते हैं और चेक करते हैं कि गाड़ी लॉक है कि नहीं. यदि गाड़ी लॉक नहीं होती है तो उनमें से एक जो छोटा लड़का है वो गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोल के उसमें से कोई भी पर्स, बैग या कुछ भी उसे मिलता है तो वो उसको चुरा कर ले जाता है. दूसरा इनका तरीका है, यदि गाड़ी लॉक की हुई है तो ये दूसरा तरीका अपनाते हैं. इनका दूसरा तरीका ये है कि ये या तो गाड़ी के अगले हिस्से पर, बोनट पर कोई ऑयल या कोई पानी या कई बार खुद प्यूक कर देते हैं. उसके बाद ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी पे ऐसा ऐसा है. उससे ड्राइवर जब गाड़ी चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो ये पीछे से उसका ध्यान भटकाते हुए बैग या पर्स जो भी इनको मिलता है वो ले जाते हैं. ऐसे दोनों इंसिडेंट्स अभी हाल में सी डिवीजन पुलिस स्टेशन के सामने आए. कुछ समय पहले जाडेश्वर चौकड़ी के पास इन्होंने दूसरे तरीके से एक महिला का पर्स चुराया गाड़ी में रखे हुए और अभी 2 दिन पहले आनंद रेस्टोरेंट के पास एक अनलॉक गाड़ी में से इन्होंने 80,000 रुपये चुराए और इसी मामले की तफ्तीश करते हुए हमने इनको पकड़ा. पूछपरछ में गुजरात के अलग अलग जिलों से इनके द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की बात सामने आई. कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं. पहली घटना है आनंद रेस्टोरेंट वाले जो घटना मैंने आपको बताई. दूसरी पिछले एक सप्ताह पहले जाडेश्वर चौकड़ी के पास की घटना, जहां ये ऑयल की बात कहकर ड्राइवर का ध्यान भटकाते हुए पीछे से पर्स को चुराते हैं. कुछ समय पहले कसक सर्किल के पास एक ऑटो रिक्शा में से इसी तरह उन्होंने एक पर्स चुराया. अंकलेश्वर के 2 मामले इन्होंने कबूले हैं. अंकलेश्वर में वालिया चौकड़ी के पास एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी से इन लोगों ने 1,20,000 रुपये चुराए. इसी तरह अंकलेश्वर में APMC के बाहर दुकान के बाहर एक गाड़ी से इन्होंने पैसे चुराए. इसके अलावा 2 मामलों में से एक मामला नवसारी का है और एक मामला जो है सूरत के कामरेज का है. इसके अलावा भी